भाई इंसानियत आज भी जिंदा है लोगों के बीच में, देख लो ये रोटी भी लेके आए। बताओ ये बेचारे दिल्ली से आए हुए हैं, ये देख लो मतलब दिल्ली से आए हुए, और ये बता रहे हैं कि बहुत पैसा है इनके पास में पर हाथ में नहीं अभी, मतलब घर वाले नहीं देते इनके, और जिन पे चाहिए जिनको उन्होंने पैसे रखा वो वापस नहीं करते इनको, तो देख लो बेचारे सुबह से परेशान है। उदास इसलिए है कि खर्चा नहीं रहा, मोबाइल गुम हो गया था मेरा। मोबाइल गुम हो गया? पहले हम दिल्ली रहते थे तो पानीपत आके ना मेरे माँ बाप एक्सपायर हो गए। ये बता रहे कि लखपति हैं और देख लो किस तरह से मतलब रोड पे पड़े हैं। धन के निकले थे मतलब? हाँ धन, यानी कि अचानक धन निकला था। अच्छा अचानक निकला, हनुमान जी के मैंने व्रत किए थे। मनोकामना क्या है? हरिद्वार जाएंगे, दर्शन करेंगे, क्या करेंगे बोले? दर्शन करेंगे बोले शंकर जी के, वहाँ पे मनोकामना। क्या हुआ बाबा जी, क्यों उदास बैठे हो? बस उदास नहीं है, बस बोले शंकर जी के दरबार जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लो ये आप बिस्कुट लो। उदास इसलिए है कि खर्चा नहीं रहा, मोबाइल गुम हो गया था मेरा। मोबाइल गुम हो गया? कैसे? रास्ते में ना रहा था वो, तो कम से कम बहुत महंगा मोबाइल था। अच्छा जी, कौन से वाला था आपका मोबाइल? वो तो हांगकांग का। हांगकांग मतलब देख लो भाई साहब, ये बोले हैं जो कि कहाँ से आए बोले आप? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से आए मतलब देख लो, दिल्ली से बोले आए और मतलब इनका फोन चोरी कर लिया, तो मतलब आपका फोन किसी ने चुराया या आपसे गुम हो गया? या तो जेब से गैप हो गया है। अच्छा, पजामा मैंने पहन रखा था। अच्छा अच्छा, या टूल पे ना रहा था एक जगह, तो एक खेत का मालिक था उससे मैंने पूछा था, कह रहा कि आपका मोबाइल देखे क्या करेंगे। गाँव में उनको आदत होती है ना, कह रहे कि थोड़ी देर जुटाते हैं फिर दे देते हैं, तो मेरे उसके मेरे दिमाग से उतर गया लेना। फिर मैं आगे आ गया, आगे आने के बाद फिर मैं गया ही नहीं, वो खेतों में मिला नहीं। मैंने सोचा कि शिव के दर्शन कराएं, शिव के दर्शन करने के बाद फिर देख लूँगा वहीं मिलेगा तो मोबाइल उससे ले देख लूँ। मतलब जो है पैसे भी गुम हुए क्या आपके? पैसे मेरे गुम नहीं हुए थे, पैसे मुझे घर किसी ने खर्चा नहीं दिया। अच्छा, और 75 लाख रुपए मेरे जीजा के पास पड़े हैं। 75 लाख रुपए? मेरे लखपति आदमी है और क्या मतलब, आप देखो ये बाबा जी लखपति आदमी दिल्ली से भी आए हैं, अभी मतलब इनका फोन तो चोरी हो गया और आप देख लो किस तरह से पड़े हैं। पैसे घर वालों ने दिए आपके? हाँ जी, पैसे घर वालों ने दिए आपको? घर वालों ने नहीं दिए, एक से वैसे 15,000 लेने थे, सामने अनुपा नाम की औरत है उसे 10 लाख रुपए लेने थे। अच्छा, 75 लाख रुपए मेरे पड़े है वहाँ पे दिल्ली, हमारे जीजा के कन्हैया लाल के पास। हमारे पानी, पहले हम दिल्ली रहते थे तो पानीपत आके ना मेरे माँ बाप एक्सपायर हो गए। मुझे सपना आया था कि सपने में माता पिता गुजर गए हैं। तो आप तो मतलब लखपति आदमी और रोड पर आए हैं, बताओ। घर वालों ने खुद हाल कर रखा है मुझ पे। अच्छा, किसी ने जायदो कर रहा था, हाल कर दिया था। धन हमारा लिखड़ा था बहुत सारा दिल्ली में, 11 ट्रक धन के लिखड़े थे। अच्छा, मेरे पास उस मोबाइल में सारी फोटो थी। फोटो मतलब आप धन के निकले थे मतलब? हाँ धन, यानी कि अचानक धन लिखड़ा था। अच्छा अचानक, हनुमान जी के मैंने व्रत किए थे। तो 11 ट्रक भर गए और क्या, ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप। डीलरों की पेटी इतनी इतनी ऊंची डीलरों की पेटी है। अच्छा जी, हाँ कई कई लाख पेटी है उसमें, एक डीलर भी कम से कम 5 करोड़ का है। 2 डीलर मेरे गुम हो गए थे, पानीपत में पुल के नीचे सो गया था, तो मैंने एक जगह शराब पी ली थी। अच्छा, तो एक बंदे को मैंने अपने पास उला लिया, वो मेरी जेब काट के ले गया। एक डीलर कब नहीं होता, 5 करोड़ का डीलर है। तो आपके साथ में चोरी वाला मामला बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी आपका फोन चोरी हो गया, उससे पहले जेब काट ली, तो अभी घर वालों ने मेरा हाल कर रखा है। लेकिन ये परमात्मा का शुक्र गुजार है, मेरे मोबाइल में सारी मामा जीवित हो गए, दूसरे दिन आ गए थे। प्राणदाता मेरा स्वयं जन्म है, अपना जन्म मैंने स्वयं बताया। तो माँ बाप आ गए थे, माँ बाप ने शादी ब्याह भी की है, सारी जगह की है। ये जो अनुपा है वैसे मेरी बीवी है, नीरज इसके पेट में था तब मैंने इसे शादी की थी। तो ये रहती है दिल्ली सूर शकूरपुर में, तो पहला आदमी इसके साथ ही रहते हैं। तो अभी आप दिल्ली से आए, पैदल ही आए वहाँ से? कैसे आए, बिना पैसे के? बिना पैसे के पैदल ही आए हैं। बिना पैसे के पैदल आ गए आप वहाँ से? हाँ जी, पैदल आ गए। अच्छा जी, और खाने पीने का कैसे कर रहे हैं आप? पीने वाले तो रास्ते में होटल वाले भगजी कह के खिला देते हैं, बाबा जी कोई कह के खिला देते हैं। अभी सामान क्या क्या लेके आए आप अपने साथ में? सामान तो ये कपड़े हैं वैसे फटे पुराने, और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा जी, और आपके पास पहला पैसा बहुत है, हाथ में नहीं है अभी? हाथ में नहीं है ना इस टाइम, हाथ में नहीं है मेरे। हाथ में होता तो फिर मुझे दिक्कत ही क्या थी, कोई चीज की दिक्कत। तो भी आपका क्या है मनोकामना क्या है? हरिद्वार जाएंगे, दर्शन करेंगे, क्या करेंगे बोले? दर्शन करेंगे बोले शंकर जी के, वहाँ पे मनोकामना। शिव तो हमारे पार्वती माता पार्वती हो गए, जगत माता पिता है वो, तो उनके बच्चे हम, उनके दर्शन करेंगे, गंगा जल स्नान करेंगे। सुबह से कुछ खाया आपने? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया अभी। अभी तो भाई वो हमारे पास में एक फ्रूटी पड़ी, वो भी निकाल दो, लाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ, एक मिनट दिखाओ। चल चल रहने दो, कोई नहीं, एक ही ना फ्रूटी दे दो, हमारे पास में फ्रूटी भी पड़ी है असल में, हमारे हमने रख रखी थी। लो आप ये भी लो, लो खा लो तुम। हाँ रोटी खा लियो, बिस्कुट है, फ्रूटी पी लेंगे, कुछ तो आराम लगेगा। अच्छा रोटी आपके पास में? चलो भाई रोटी भी दे दो। देखो रोटी का भी मतलब भाई इंसानियत आज भी जिंदा है लोगों के बीच में, देख लो ये रोटी भी लेके आए। बताओ ये बेचारे दिल्ली से आए हुए हैं,
ये देख लो, मतलब दिल्ली से आए और ये बता रहे हैं कि बहुत पैसा है इनके पास में पर हाथ में नहीं अभी, मतलब घर वाले नहीं देते इनके, और जिन पे चाहिए जिनको उन्होंने पैसे दे रखा वो वापस नहीं करते इनको। तो देख लो बेचारे सुबह से परेशान है। अभी कब से बैठे आप यहाँ पे? मैं बस आज रोटी ले लो, रोटी ले लो, आप पहले रोटी ले लो, पेट भर जाएगा आपका। सब्जी ले लो, सब्जी वैसी होगी, रसे वाली सब्जी होगी, तो काहे में ले लो आप, है कुछ आपके पास कटोरी वगैरह? भाई देख लो, मतलब देख लो, ये जा रहे थे, आप यही काम करते हैं यहाँ पड़ोस में? अच्छा दुकान है, मतलब देख लो इन्होंने रोटी खिला दी, मतलब इस तरह से अगर आदमी कोई रहता है तो आदमी मदद करता है एक दूसरे की, और भाई ऐसा होना भी चाहिए, मतलब इंसानियत आदमी के अंदर होनी चाहिए, भले वो किसी धर्म से बिलोंग करता हो कुछ भी हो, पर उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, जानवरों के प्रति इंसानों के प्रति जरूर होनी चाहिए। अभी देख लो, अभी बताओ ये बेचारे कितने परेशान है। तो अभी कब चलेंगे आप यहाँ से? थोड़ी देर में चलेंगे। खाना खा लेंगे, ठीक है ठीक है भाई, देख लो ना खाना खा लें तो कोई बात नहीं। तो देख लो, मतलब ये बहुत ज्यादा परेशान है इस टाइम, और देख लो मतलब ये बता रहे कि लखपति हैं, और देख लो किस तरह से मतलब रोड पर पड़े हैं, घर वाले पैसे नहीं देते, और भी कई तरह की परेशानी है। अभी अगर बात करेंगे तो और बहुत सारी चीजें बताएंगे, अभी देख लो अभी तो ना खाना खा लेने देते हैं। जैसे आपने ने देखा ये दिल्ली के हैं जो बाबा जी अभी यहाँ पर देखो पड़े हैं, बता रहे हैं कि भाई पैसे वाले हैं काफी, लेकिन घर वाले देते नहीं, अभी जिन पे हैं वो देते नहीं। तो कैसे देखते हैं, आपने खाना खिलाया, कैसा लग रहा है अभी खाना खिला के? आप खाना खिला के मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत दुखी रहा हूँ। अच्छा दुखी रहे हैं आप? क्योंकि मेरे जो पिताजी थे ना, अच्छा अच्छा, पुलिस में थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो गुजर गए थे, मैं तब छोटा था, तो मैंने भी बहुत कुछ मतलब अपने उसमें देखा कि कैसे इंसान को मतलब वो किया जाता है। तो मतलब कोई भी रास्ते में मिल जाता है, मैं उसको 10 रुपए 20 रुपए खाना, कोई जरूरतमंद को मदद कर देनी चाहिए, मदद कर देनी चाहिए, मैं उसको मदद करता हूँ। मेरा ये मानना है कि भाई जो हो तो कोई भी उससे हो मदद करो। सही बात, बस वो भी अच्छा भी लगता है ऐसे, एक अंदर से भी एक मेरे को खुद मतलब वो आता है जी, एक अच्छा मैसेज भी आता है, मैसेज भी जाता है। आप यहाँ के लोकल की हैं? हाँ जी, मैं गाँव पीरपुरा का रहने वाला हूँ। देख लो ये पिताजी पुलिस में थे, गुजर गए थे, तब मैं छोटा था, पढ़ता था, अब देखो। सही या नहीं? देख लो भाई बहुत अच्छी सोच है ये, आप देख सकते हैं इन्होंने मदद करी और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है। तो भाई अगर मतलब आपको भी कभी मौका मिले अपने जीवन में इस तरह से लोगों की मदद करने का, किसी जानवर की, किसी भी आपकी मदद कर सकते हैं, आप भी जरूर एक बार मदद करें, आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा।